ठीक है व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार सर्विस वीडियो। सो आज हमारे पास आई है मारुति सुजुकी इग्निस कार जिसका हम लोग कंप्लीट जनरल सर्विस करने वाले। इस वीडियो में हम लोग आपको पूरा सर्विस प्रोसेस डिटेल में डॉक्यूमेंट करके बताएंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड में हम लोग आपको इसका प्राइस शेयर करने वाले। गाइज अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। नाउ गाइस अबाउट मोटोफिक्स। मोटोफिक्स इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ न्यू एज कार रिपेयर वर्कशॉप ऑफरिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल एंड हैसल फ्री रिलेशनशिप विद इज कस्टमर। विथ ओवर 100 प्लस वर्कशॉप्स अक्रॉस 5 मेजर सिटीज वी हैव 1.5 लाख हैप्पी कस्टमर्स। नाउ गाइस इफ यू हैपन टू विजिट अवर वर्कशॉप यू मे सी वी यूज लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड वी हैव अ टीम ऑफ हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन टेकिंग केयर ऑफ योर कार ऑल टाइम। नाउ गाइस वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस एंड वी गिव रियल टाइम अपडेट ऑफ एवरी वर्क गेटिंग डन इन योर कार। सो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस सर्विस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस कार में हम यूज़ करने वाले हैं। सो द रिकमेंडेड ग्रेड फॉर दिस कार इज 5W30। सो आपका सर्विस पैकेज डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट्स ऑप्ट करते हो एंड कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ करते हो। सो गाइस फॉर दिस कार आपको इंजन ऑयल के चार ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये है 5W30 मिनरल ऑयल जो कि बेसिक ऑयल है। इसका प्राइस शुरू होता है 325 रुपीज़ पर लीटर। एंड देन नेक्स्ट आता है ये 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये थोड़ा बेसिक ऑयल से एडवांस रहता है। ये सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सो इसका प्राइस शुरू होता है 430 रुपीज़ पर लीटर से। एंड नेक्स्ट ये 5W30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये एडवांस इंजन ऑयल है एंड ये फुली सिंथेटिक है। इसका प्राइस शुरू होता है 530 रुपीज़ पर लीटर से। लास्टली ये है 5W40 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन ऑयल है एंड ये आपके कार के इंजन को प्रोटेक्ट करेगा एट द हायर टेम्परेचर्स। ये सबसे एडवांस इंजन ऑयल है। इसका प्राइस शुरू होता है 750 रुपीज़ पर लीटर से। नाउ गाइस हर टाइम हम ऑयल चेंज करते हैं उसके साथ हमें ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस करना होता है। ऑयल फिल्टर का प्राइस है 98 रुपीज़। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर और एसी फिल्टर दोनों इंस्पेक्ट करेंगे। अगर वो सर्विसेबल हुआ तो हम उसे सर्विस कर देंगे और एल्स उसे रिप्लेस कर देंगे। सो एयर फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 290 रुपीज़ से एंड एसी फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 300 रुपीज़ से। तो हर गाड़ी सर्विस करने से पहले हम इंजन ऑयल के लेवल चेक करते हैं, उसकी कंडीशन चेक करते हैं। तो इसका ऑयल लेवल ओके है, मतलब ऑयल लीकेज नहीं है इसमें। सेकेंड हम इसका ऑयल में स्लजिंग है कि वो चेक करते हैं। तो ऑयल में स्लजिंग भी नहीं है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ऑयल है, मतलब टाइम टू टाइम सर्विस होती है गाड़ी। तो हम इसको इंजन फ्लश नहीं करेंगे, नॉर्मल सर्विस करेंगे। सो गाइस इस कार में ज़्यादा स्लजिंग नहीं था एंड ये कार रेगुलरली सर्विस होती थी तो इसलिए इसमें इंजन फ्लश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। हावेवर अगर आपकी कार टाइमली सर्विस ना हो एंड उसमें स्लजिंग जमा हो तो आपको इंजन फ्लश यूज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम इस कार को हाइड्रोलिक रैम में ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसके चारों व्हील बेयरिंग, स्टीयरिंग रैक प्ले और बॉल जॉइंट फिट पैक करेंगे। तो अभी फ्रंट का व्हील बेयरिंग चेक कर रहे। बेयरिंग में तो ऐसा कुछ नॉइज नहीं था। अभी रैक प्ले चेक कर रहे हैं इसमें बॉल जॉइंट, और ये लोअर आर्म बॉल जॉइंट चेक कर रहे। तो फ्रंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हम फ्रंट के बॉल जॉइंट, रैक प्ले एंड बेयरिंग चेक करेंगे और रियर का व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। तो अभी रियर का व्हील बेयरिंग चेक कर रहे। रियर के व्हील बेयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हम दोनों साइड के व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार के चारों टायर्स डिमाउंट करेंगे, इसके चारों ब्रेक्स इंस्पेक्ट करके उसे सर्विस करेंगे। तो अभी फ्रंट का ब्रेक इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ब्रेक पैड की कंडीशन चेक करेंगे, उसकी हेल्थ मतलब। तो उसकी काफ़ी अच्छी हेल्थ है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंडीशन है। तो हम इसको सर्विस करेंगे पॉलिश वगैरह से क्लीन करके। सेकेंड हम उसका डिस्क भी चेक करेंगे, डिस्क पे कोई मेजर लाइनिंग है क्या वो चेक करेंगे, कहीं से डिस्क आउट तो नहीं है वो भी चेक करेंगे। तो डिस्क ओके है, ना कोई इस पर मेजर लाइनिंग नहीं है और ब्रेक पैड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। तो हम इसको पॉलिश करके, सर्विस करके इसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे। तो जब भी आप ब्रेक सर्विस कराते हो तो याद रखें आप कैलिपर पिन को लुब्रिकेशन कराओ, और ये स्पेशली उसका ग्रीस होता है, यही ग्रीस यूज़ करो। तो अभी रियर का ब्रेक इन्फेक्शन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लाइनर की हेल्थ चेक करेंगे, सिलेंडर को चेक करेंगे। तो आप लाइनर को देख सकते हो कि लाइनर की थिकनेस कितनी अच्छी है, मतलब ब्रांड न्यू की जैसी कंडीशन है। दोनों साइड की हेल्थ चेक करेंगे, बिकॉज इसमें क्रैक भी होता है और ये कभी कभी टूटता भी है।
तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में, और मतलब क्रैक भी नहीं है और टूटा हुआ भी नहीं है। सेकेंड हम इसका व्हील सिलेंडर चेक करेंगे, ये बराबर ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। कभी कभी ये जाम होता है जिसकी वजह से ब्रेक बराबर लगता नहीं है, तो ये फ्री है, आप देख सकते हो। तो हम इसको पॉलिश करेंगे, क्लीन करेंगे और वापस से इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट हम इस कार को और ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड इसका कंप्लीट अंडर बॉडी इंस्पेक्शन करेंगे। तो अभी हम गाड़ी का अंडर बॉडी इंस्पेक्शन कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे लिंकेज में हल्का प्ले है। सेकंड इसका बॉल जॉइंट चेक करेंगे, तो बॉल जॉइंट के बुशेज अच्छे हैं, वो बॉल जॉइंट भी ओके है। इसमें रैक प्ले चेक करेंगे कि जो बॉल जॉइंट है ये भी ओके है। सेकंड हम इसका एक्सल चेक करेंगे, एक्सल भी ओके है। सेंटर माउंट चेक करेंगे, इसके भी बुशेस कट होने की वजह से नॉइस आता है, तो ये भी ओके है, अभी इसमें बुशेस ओके है इसके। सेकेंड इसका बेल्ट चेक करेंगे, बेल्ट तो ओरिजिनल नया है और कहीं से कट भी नहीं है। इसमें ऑयल लीकेज चेक करेंगे, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में, कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं है। ऐसा फ्रंट का सस्पेंशन कवर होगा। सेकेंड हम इसका साइलेंसर चेक करेंगे, साइलेंसर कहीं से फटा तो नहीं है। इसका साइलेंसर भी ओके है और बुशेज भी ओके है इसके। फिर इसके हम शॉकअप भी चेक करेंगे, देखो ये साइड का शॉकअप लीकेज है, काफ़ी ऑयल आ गया है। ये साइड का शॉकअप देखोगे तो आप, ये शॉकअप ओके है, बट इसमें हम दोनों का रिप्लेसमेंट का कस्टमर को रिक्वायरमेंट बताएंगे, बिकॉज एक साइड नया शॉकअप और एक साइड पुराना रहेगा तो पुराना वाला भी लीकेज हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है गाड़ी की, सिर्फ दो माइनर से प्रॉब्लम है, एक तो शॉकअप का प्रॉब्लम है रियर साइड का और एक लिंकेज का प्रॉब्लम है। कोटेशन शेयर करेंगे, कस्टमर हमें अगर अप्रूवल देते हैं तो हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का पुराना इंजन ऑयल ड्रेन करने वाले हैं। अभी हम इसका ऑयल फिल्टर रिप्लेस करने वाले हैं। आप कंडीशन देख सकते हो पुराने ऑयल फिल्टर की कंपेयर टू द न्यू वन। न्यू ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले हम लोग उसके ओरिंग्स को लुब्रिकेट करेंगे एंड देन उसे इंस्टॉल करेंगे। इंजन ऑयल ड्रेन होने के बाद हम लोग इसका ड्रेन बोल्ट प्रॉपरली टाइट करके कार को नीचे लेके इसमें न्यू इंजन ऑयल फिल करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार में इंजन ऑयल फिल करने वाले हैं एंड इसका भी रियल टाइम अपडेट हम ओनर से शेयर करते हैं। इंजन फिल करने के बाद हम लोग उसका मार्क चेक करेंगे थ्रू डिपस्टिक कि वो प्रॉपरली फिल हुआ है कि नहीं। बराबर है, तो ये प्रॉपरली फिल हो चुका है। हम इस कार का ब्रेक ऑयल टॉप अप करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का कूलेंट टॉप अप करेंगे। हम इस कार का एयर फिल्टर का कंडीशन इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एयर फिल्टर की कंडीशन अच्छी है, मतलब क्लीन करके चला सकते हैं, रिप्लेस करने का टाइम नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू टेक्नीशियन इसका एयर फिल्टर काफ़ी अच्छी कंडीशन में, सो इसको हम लोग एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट हम इस कार का एसी फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। एसी फिल्टर भी इतना मतलब ख़राब नहीं है, चेंज करने का टाइम नहीं है, इसको सर्विस कर सकते हैं। कार के बैटरी का हेल्थ चेक करने वाले थ्रू मल्टीमीटर। हम कार को मल्टीपल टाइम स्टार्ट करके बंद करेंगे एंड बैटरी का हेल्थ चेक करेंगे। स्टार्ट करो, बंद करो, फिर से स्टार्ट करो, बंद करो, हेडलाइट एसी ऑन करो। नेक्स्ट हम कार के सारे इलेक्ट्रिकल्स ऑन करके कार को स्टार्ट करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि कार की बैटरी कितना लोड ले। स्टार्ट करो, इसका बैटरी वीक है गाड़ी का। सो इस कार का बैटरी का हेल्थ थोड़ा वीक है, इसका रिपोर्ट हम कस्टमर से शेयर करेंगे। तभी हम टायर इन्फेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम टायर को चेक करेंगे, ये कहीं से क्रैक तो नहीं है और कहीं से मतलब कट तो नहीं है। तो कट भी नहीं है और क्रैक भी नहीं है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में। तो हम इसका सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग चेक करेंगे, तो ये 2018 का मैन्युफैक्चरिंग है। ये डैप गेज से हम इसका डैप चेक करेंगे, ये 4 mm का डैप है, आप देख सकते हो, मतलब ऐसे ही हम चारों टायर को इन्फेक्शन करेंगे। हम इस कार का कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करने वाले हैं। हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, हाई बीम, लो बीम,
हैजर्ड्स, हॉर्न, वाइपर्स, ब्रेक लाइट्स, रिवर्स लाइट, रियर हैजर्ड, रियर वाइपर्स। ओके, तो हम इस कार के चारों पावर विंडोज इंस्पेक्ट करेंगे। कैबिन लाइट्स, ओके, एसी, ओके, एफएम। हम लोग इसका टच भी प्रॉपर इंस्पेक्ट करें कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, सो ये प्रॉपरली चल रहा है। हम लोग इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी इंस्पेक्ट करेंगे। कितने फैंस बटोरे सिर्फ। ओके, रिवर्स कैमरा, ओके। नेक्स्ट हम इस कार का सेंट्रल लॉकिंग इंस्पेक्ट करने वाले हैं। इसे हम लोग पहले रिमोट से चेक करेंगे। सो ये रिमोट से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसे अभी हम लोग मैनुअली की से भी इंस्पेक्ट करेंगे। सो ये मैनुअली भी बराबर चल रहा है। अभी हम लोग इसका रिक्वेस्ट सेंसर से चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट सेंसर से प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है या नहीं। तो ये रिक्वेस्ट सेंसर से नहीं चल रहा है। तो ये रिक्वेस्ट सेंसर लेफ्ट साइड से चल रहा है, फ्रंट राइट साइड के डोर से नहीं चल रहा है। तो हम ये कस्टमर को रिपोर्ट करेंगे कि आपके गाड़ी का रिक्वेस्ट सेंसर नहीं चल रहा है। तो हम इस गाड़ी के स्पार्क प्लग भी चेक करेंगे। स्पार्क प्लग को सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन चारों की अच्छी कंडीशन है, और इसमें श्रैंक चेक करेंगे, इसके श्रैंक पर कोई क्रैक तो नहीं है। फिर हम इसको फिलर गेज से इससे चेक किए, इसका गैप जो था वो ओके था। ऐसे ही हम चारों स्पार्क प्लग के चेक कर चुके हैं, अभी हम इसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे। एवरी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस हम कार का व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करते हैं। हाउएवर इस कार का अलाइनमेंट बैलेंसिंग रिसेंटली हो चुका था एंड कार प्रॉपर चल रही थी। इस कार में अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराना जरूरी नहीं था। इन एवरी जनरल सर्विस हम कार का डिटेल सर्विस रिपोर्ट तैयार करके ओनर से शेयर करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जनरल सर्विस के लास्ट स्टेज में। अभी हम कार को बाहर से प्रॉपर फोम वॉश करेंगे, इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे एंड इंजन भी पॉलिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सर्विस में इंक्लूड होती है। सो गाइस, अगर आपने वीडियो अब तक देख लिया आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। सो गाइस, इस कार का कंप्लीट जनरल सर्विस हो चुका है एंड द बेसिक सर्विस फॉर मारुति सुजुकी इग्निस स्टार्ट्स फ्रॉम ₹2,999 ओनली। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।